वेलकम गाइज, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल काइट लवर के बीच में। तो गाइज, काफी लोगों ने कमेंट किया कि सर एक बटर पेपर से काइट बना दीजिए, बटर पेपर से काइट बनाइए और वो जो काइट की शेप होगी वो थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, यानी थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए जो आमतौर पर बाजार में काइट्स मिलती हैं। तो गाइज, आज मैं बटर पेपर से आपको पतंग बना के दिखाऊंगा और ये जो बटर पेपर है, चाहो तो आप दुकान से जा सकते हो, जो बुक सेलर की दुकान होती है वहां पर इजिली अवेलेबल होता है, मात्र 2 रुपए का मिलेगा ये। कई दुकान वाले इसको 1 रुपए में भी दे देंगे। और इसका साइज देख लीजिए एक बार, ये इतने बड़े साइज का यहाँ पर होता है। ये देखिए गाइस, इतने बड़े साइज का ये बटर पेपर होता है। अब चाहो तो आप, अगर आप इतने साइज की पतंग बना रहे हो तो आप 1-2 पतंग आसानी से बना सकते हो, चाहो आप एक बड़ी पतंग बना सकते हो, जैसे आज हम एक इससे बड़ी पतंग बनाने जा रहे हैं। तो ये जो बटर पेपर है, ये मैंने बताया आपको बुक सेलर की दुकान से इजीली मिल जाता है। और अगर आप नए कपड़े खरीदते हो तो नए कपड़ों के अंदर भी ये बटर पेपर लगा आता है, अगर आपने देखा हो तो। तो चलिए, बुक सेलर की दुकान से आप इसको खरीद लेंगे इजीली। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इस तरह का ये साइज है, फुल साइज। तो हमें क्या करना होगा, पहले काइट की शेप हम इसको इस तरह से कटिंग कर लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ से, यहाँ काइट की शेप में ऐसे, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको करनी है यहाँ पर, यहाँ से ऐसे। और ये जो पोर्शन कट करना है इसको मैं घुमा लेता हूँ यहाँ से। तो मुझे क्या करना है, इस पोर्शन को करना है कट डाउन। तो इस पोर्शन को मैं काट दूंगा यहाँ से। अब चाहो तो आप सीजर की हेल्प से काट सकते हो, चाहो आप फिर इसको नॉर्मली अपने हाथों से काट सकते हो। लेकिन आप हाथों से देखो, मैंने ये देखो थोड़े से, देखो ये देखो मेरी उंगली लगी यहाँ पर, ये देखो ये फट गया, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होता है और ये देखो ईजिली ये फट जाता है यहाँ से। देखो ये फट चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे दोबारा से इसको कट शेप के लिए मुझे इस साइड से जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से ये थोड़ा सा हल्का सा फट चुका है। अब मैं इधर से शेप के लिए जाऊँगा, क्योंकि बहुत ही बारीक पेपर होता है गाइस ये, जैसा हमारा काइट पेपर होता है ना ऐसे ही होता है बस, लेकिन काइट पेपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पेपर। तो यहाँ पर हमने इसको किया ऐसे बैंड ये चीज़, और अब ये जो हमारा पोर्शन है मैं इसके कटिंग कर देता हूँ सीजर की हेल्प से, क्योंकि फिर मैंने, अगर मैं वैसे करूँगा तो ये जैसे यहाँ से फट गए तो हो सकता है फिर से फट जाए, तो इसलिए। तो सीजर की हेल्प से मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। थोड़ी सी कटिंग सही नहीं आएगी, थोड़े थोड़े साइड से में रहेगा, लेकिन फिर भी होगा। ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है, मैं इसको साइड रख लेता हूँ। तो गाइस देखिए, हमारी कटिंग होने के बाद ये हमारे पास शेप आ चुकी है यहाँ पर। लेकिन हमें क्या करना है, ये तो सिंपल काइट होगी, अगर हम इसको बनाएंगे तो सिंपल काइट होगी, लेकिन हमें बनानी है डिज़ाइनदार काइट। तो मैं क्या करूँगा, फिर से इसको इस तरह से फोल्ड करूँगा, यहाँ पर ऐसे फोल्ड किया ये मैंने यहाँ से। और ये जो इसका पोर्शन है, इस साइड वाला पोर्शन, इस पर मैं एक शेप बनाऊँगा। और शेप कैसी, वो शेप होगी, मैं क्या करूँगा यहाँ से 1, 2, 3, 4 इस तरह से इसकी कटिंग कर दूँगा, यानी गोलाई से मैं इसकी कटिंग मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने इसको कट किया इस तरह से गोलाई में, दोनों कट करने हैं आपको ध्यान से, यह चीज़ कट होगी आपकी। सेम वे में आपको क्या करना है, अब यहाँ से दूसरा उठाऊँगा मैं थोड़ा गोलाई में, यहाँ से यहाँ इस तरह से कटिंग होगी आपकी। फिर से आपको यहीं से उठाएंगे दोबारा से हम, इस तरह से कटिंग हो गई आपकी। फिर से मैं यहीं से कटिंग करूंगा एक बार और, तो ये चीज़, ये देखिए अब हमारी शेप यहाँ से। अब जब मैं इसको ओपन करता हूँ, आपके साइड दिखाता हूँ थोड़ा करके, देखिए ये शेप है, जब मैं इसको ओपन करूँगा देखिए ये शेप हमारी यहाँ पर आ चुकी है। देखो कितनी प्यारी शेप बनी है। और फर्दर इसके ऊपर और काम होगा, वो मैं बताऊँगा क्या क्या। तो हम क्या करेंगे, ये जो हर एक कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर हमारे पास निकला हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और इधर के कॉर्नर पर भी, हम क्या करेंगे छोटी छोटी पूंछे लगाएंगे, जैसे मैं आम काइट्स में लगाता हूँ, फिर देखने इसकी कितनी प्यारी शेप निकल के आएगी। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं ऊपर से तैयार कर लेता हूँ। हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रेट तिल्ला चाहिए और एक गोलाई का तिल्ला चाहिए। तो गाइज, मैं अपनी हर वीडियो में बताता आया हूँ, चाहो तो आप पुरानी पतंग के तिल्ले का यूज़ कर सकते हो या फिर आप झाड़ू के तिल्ले का यूज़ कर सकते हो। देखिए जैसे मेरे पास में इस केस में झाड़ू है, तो मैं क्या करूँगा झाड़ू के तिल्ले का यूज़ करूँगा। तो मुझे एक स्ट्रेट तिल्ला चाहिए, तो मैं कोई बड़ा सा भारी सा तिल्ला ले लेता हूँ, जो मोटा सा तिल्ला हो और लंबा तिल्ला हो, ताकि वो स्ट्रेट के लिए यूज़ हो जाए। ये देखिए गाइज, ये तिल्ला हमारा बिल्कुल परफेक्ट सीधा ही स्ट्रेट के लिए यूज़ हो चुका है। ये देखिए एकदम, कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, और एकदम स्ट्रेट तिल्ला यूज़ हो चुका है। इसी तरह से मुझे गोलाई में चाहिए, तो गोलाई में मैं करना 2 तिल्ले को जोड़ के बनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा तिल्ला बनाना है मुझे और 2 तिल्ले जोड़ने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़े मोटे मोटे 2 तिल्ले ले लेता हूँ। एक मैंने यहाँ पर ये लिया तिल्ला, थोड़े मोटे मोटे से मुझे 2 तिल्ले लेने होंगे,
ताकि उनको मैं जोड़ के एक बड़ा तिल्ला तैयार कर सकूं। और एक मैंने ये तिल्ला ले लिया, अब इन दोनों को मैं जोड़ के देखता हूँ। यहाँ पर मैं बड़े तिल्ले को हटा देता हूँ इधर से एक बार साइड में। अब देखिए, एक मेरे पास तिल्ला ये है, एक ये है। जब मैं इन दोनों को ऐसे जोड़ूंगा तो ये देखिए हमारे जो गोल, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर आ जाएगा गोलाई का तिल्ला भी, यानी इन दोनों को यहाँ से जोड़ने के बाद। तो मैं क्या करते हैं, दोनों को यहाँ से एक बार टेप की हेल्प से आपस में जोड़ देता हूँ। तो चलिए मैं टेप की हेल्प से इसको जल्दी से जोड़ देता हूँ यहाँ पर। और ये काफ़ी बार ढूंढना मुश्किल हो जाता है, जैसे हम लास्ट बारी में टेप तोड़ते हैं अपना, काफ़ी मुश्किल हो जाता है, भाई तोड़ी कहाँ से थी हमने। तो जैसे इस केस में तो हमें मिल गया ये। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको पकड़ के इसको आपस में इस तरह से यहाँ पर जोड़ दूँगा। ठीक है गाइस, सेम वे में इधर से जोड़ देना आपको। यहाँ से जोड़ देना आपको सेम वे में इधर से ऐसे, और सेम वे में इधर से जोड़ देना आपको, एक इधर और एक इधर। तो मैं एक यहाँ लगा देता हूँ उसको, और एक लगा देता हूँ लास्ट में यहाँ पर ये चीज। अब देखिए ये मेरा तिल्ला हो चुका है रेडी। अब मैं जब इसको लगाऊंगा यहाँ पर गोलाई में, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहा है, और लेकिन फिर भी थोड़ा पोर्शन बच रहा है देखो साइडों से। यहाँ पर इस पोर्शन को मैं क्या कर दूंगा, तोड़ दूंगा जब मैं इसको चिपकाऊंगा तिल्ले को। तो सबसे पहले तो मैं अपना स्ट्रेट तिल्ले को लगा लेता हूँ यहाँ, इसको मैं साइड कर देता हूँ। तो मैं स्ट्रेट तिल्ले को यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो ऊपर लगाया मैंने स्ट्रेट का और नीचे की तरह, तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ इसको। सबसे पहले मैं ऊपर से जोड़ लेता हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ पर जोड़ लेता हूँ ऊपर से सबसे पहले ये चीज़ यहाँ ऐसे, और इसको मैं कर दूँगा पीछे की साइड बेंड। ये देखिए ये हमारा हो चुका है ऊपर की तरफ से। अब मैं कर करूँगा नीचे की तरफ से इसको जोड़ दूँगा यहाँ पर थोड़ा सा सीधा करके। तो ये ऐसे है यहाँ, तो गाइस नीचे की तरफ से मैंने इसको जोड़ा है, ये बेंड किया मैंने। अब मैं एक बीच में भी टेप लगा दूंगा ताकि ये बीच में ही रहे। तो मैंने यहाँ पर एक बीच में भी टेप लगा दी ये चीज़। अब जो हमारा स्ट्रेट तिल्ला था वो जुड़ चुका है यहाँ पर। चाहो तो अब थोड़ी टेप यहाँ भी लगा सकते हो, थोड़ी यहाँ भी लगा सकते हो, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ लगा सकता हूँ मैं, थोड़ी टेप को लगा लेता हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ा मोटा पोर्शन है इसका। तो ये चीज़ ठीक है गाइज, ये हो चुका है हमारा यहाँ पर स्ट्रेट तिल्ला। अब मुझे क्या करना है, गोल तिल्ला अपना, ये जो मेरा गोल तिल्ला था इसको मुझे जोड़ना है ऐसे यहाँ से। तो मैं गोल तिल्ले के लिए सबसे पहले कॉर्नर को रखूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब मुझे पता है ये साइडों में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन ज़्यादा बाहर की तरफ जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से कट डाउन कर लेते हैं इसका, थोड़ा सा पोर्शन तोड़ लेता हूँ यहाँ से। देखिए गाइज, मैं थोड़ा कैंची के साथ काट लेता हूँ इसको यहाँ से। देखिए काफ़ी मोटा पोर्शन था ये, तो मैंने इसको कच्ची के साथ काटा। मैंने बताया आपको इधर जो लगाने का वे है, हमें क्या करना है, टेप निकालनी है ऐसे, यहाँ पर रखनी है हमें टेप, यहाँ पर रखनी है हमें टेप। उसके बाद हमें तिल्ला लेना है, जो भी तिल्ला हम लगा रहे हैं गोल के लिए, यहाँ पर उसको ऐसे रखना है हमको तिल्ले को, इसको यहाँ पर लगाना है, और जो बाकी का पोर्शन उसको हम बैक साइड में भेज देंगे ऐसे। ठीक है गाइस, सेम वे में हमको क्या करना है इधर भी, लेकिन इधर के लिए हमें पहले यह तिल्ला एग्जैक्ट देखना होगा, भाई तिल्ला एग्जैक्ट यहाँ कितना आएगा, क्योंकि फालतू जो जाएगा उसको हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो देखिए थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है, इसको मैं क्या कर दूंगा, पहले कट डाउन कर देता हूँ। तो थोड़ा पोर्शन मैंने इसको तोड़ दी यहाँ से ऐसे। ठीक है गाइस, अब मुझे क्या करना है, टेप लगाऊंगा सबसे पहले। तो ये मैंने यहाँ पर टेप लगा दी। अब मैं क्या करूँगा, इस साइड से इसको पकड़ूंगा और ऐसे यहाँ रखूँगा इसको, ऐसे रखा यहाँ। तो ये जो पोर्शन है इसको या तो आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ आप इसको बेंड करा सकते हो। तो देखिए गाइस, यहाँ पर काइट हो चुकी है हमारी रेडी।
अभी भी इसमें काफ़ी काम करना बाकी है, लेकिन एक शेप सी हमें बन चुकी है। फ्रंट साइड देख सकते हैं आप काइट का, और ये बैक साइड भी देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से अभी आ रही है। तो अब जो हमें वर्क करना है वो क्या काम करना है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से और यहाँ से भी इसको चिपका देता हूँ, ये जो गोल वाला तिल्ला है। तो मैंने यहाँ से टेप निकाली, यहाँ रखी और इसको थोड़ा सा फोल्ड किया, चिपक गया। सेम वे में यहाँ से तो ये तो हो चुका है हमारा यहाँ पर, ठीक है गाइस। अब हमें क्या करना है, ये जो पोर्शंस हैं, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, मैं आपकी साइड थोड़ा करके दिखाता हूँ इसको। तो ये जो कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉर्नर्स हैं। अब मैं पतंग को कर देता हूँ साइड में, और अपना जो बचा हुआ बटर पेपर है उसको मैं उठाता हूँ। और कितने कॉर्नर्स थे हमारे, 9 कॉर्नर्स थे गाइज हमारे। तो हमें क्या करना होगा, ये मेरा पेपर था हमारा, तो मैं क्या करता हूँ 9 पोर्शन में इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोर्शन में। या तो इसको ऐसे फोल्ड करके डिवाइड कर सकते हैं आप, जैसे मैंने इसको फोल्ड किया, ऐसे किया, अभी चाहो आप इसको एक ही बारी में डिवाइड कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको क्या करना है, मैं अभी इसको एक बार फोल्ड कर लेता हूँ ताकि हमें बिल्कुल ही आसानी हो जाए। यहाँ पर ये ऐसे किया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसको कटिंग कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है गाइस। ये देखिए अब हम इसको खोल लेते हैं यहाँ पर, ये अब देखिए सारे पे कटिंग हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें से 9 पोर्शन निकालने हैं। तो मैंने ये एक पोर्शन निकाल लिया इसका यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब इसको और खोल सकता हूँ मैं यहाँ पर, देखो ऐसे ये पार्ट अलग है, अब ये पार्ट अलग है। तो ये मैंने पोर्शन निकाल लिया इसका, एक पोर्शन यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये चीज़ है, ये ऐसे इस तरह से लगा दूंगा मैं इसके ऊपर सेम वे में, अब यहाँ से। तो इस तरह के मैं 9 पार्ट निकाल लेता हूँ यहाँ से, 2 हो गए मेरे पास, 3 हो गए, 3 और तो 5 हो गए, 6 7 8 और 9, ये 9 पार्ट मेरे पास हो चुके हैं, ठीक है गाइस। मैं इनको साइड करता हूँ, अब अपनी पतंग को उठाते हैं यहाँ पर, ये चीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से लगाना पोर्शंस को अपने। तो इनको इस तरह से आपको गोल घुमा लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं करता हूँ इसको ऐसे, तो टेप की हेल्प से आप इसको चिपका लेंगे यहाँ पर। अब इससे होगा कि एक तो हमारी पतंग भी भारी हो जाएगी, और एक लुक जो है, लुक बहुत अच्छी आ जाएगी हमारी काइट की। तो देखिए यहाँ पर ये लग चुका है एक, तो यहाँ पर ये दूसरा लग चुका है ऐसे, और ये जो हमारा जो हमने टेप लगाई इसको बिल्कुल सही कर देंगे। तो चलिए मैं इसको सबको पहले चिपका लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ ये कैसी लगेगी बाद में। तो गाइस देखिए हमारी काइट हो चुकी है पूरी तरह से रेडी, आप देख सकते हैं। अब आम को क्या करना है, इसमें कन्ने डालने, और कन्ने वही जैसे हम आम काइट्स में डालते आए हैं, 4 होल करने हैं, 2 यहाँ पर और 2 नीचे की तरफ। और फिर आपको सद्दी का यूज़ करना, चाहो तो सद्दी का यूज़ कर लो, चाहो आप सीधा डोर से ही करने डाल सकते हो। तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर होल कर लेता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। देखो 2 जो 4 होल करने हैं उनमें से 2 यहाँ करने हैं, वो 2 कैसे होंगे, या तो इधर डायगनली होने, वो एक इधर होगा तो एक इधर होगा, या फिर इधर करोगे तो इधर होगा, वो डायगनली होंगे एक दूसरे के। तो जैसे मैंने फर्स्ट होल यहाँ किया तो उसके बिल्कुल डायगनली सामने यहाँ पर, ठीक है। 2 होल हो चुके हैं हमारे, उसके बाद हमें इस तरह से हाथ को रखना है, 2 उंगलियां रखनी है, अगले होल 2 हमारे यहाँ पर। तो एक होल यहाँ पर और एक होल होगा हमारा उसी साइड में दूसरी तरफ, एक होल यहाँ और एक होल यहाँ, ठीक है गाइस। ये हमारे हो चुके हैं 4 होल। अब हमें क्या करना है, अपने निकालने हैं सद्दी को। तो मैं सद्दी ले लेता हूँ, थोड़ी बड़ी सी डोर ले लेता हूँ निकाल के, इनको आपस में बांध लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए गाइस अब हमें क्या चीज़ करना है, इसको बैक करेंगे। अब ये जो फर्स्ट होल था हमारा, दोनों में से कोई भी होल, उसके बीच में से एक साइड को हम निकाल देंगे ऐसे यहाँ से। तो देखिए दोनों में से कोई भी होल में से हम डोर को निकाल देंगे, फ्रंट
फ्रंट साइड लाएंगे इसकी। तो ये हमारी डोर थी यहाँ पर, अब इस डोर को पकड़ेंगे और ये जो हमारा गोल तिल्ला है इसके ऊपर से निकाल लेंगे, जो हमारा गोल तिल्ला है ना इसके ऊपर से निकाल लेंगे यहाँ पर, फिर दूसरे होल से इसको वापस भेज देंगे ताकि हम पीछे इसको बांध सकें। तो ये था हमारा दूसरे होल, तो हमने इसको यहाँ से देखो इसके ऊपर से निकाला देखो ऐसे ताकि ये बंध जाए। तो मैं क्या करूँगा अब यहाँ पर इसको बांध देता हूँ, खस के बांध देना आपको, दो तीन गंठे लगा देने इसके बीच में ताकि हमारे कन्ने आसानी से ना टूटें। अब दूसरे साइड आ जाएंगे हम, दूसरी साइड से हमें क्या करना है ऐसी सेम एक होल से डालेंगे, दूसरे होल से हम वापस निकाल लेंगे इसको। तो यहाँ पर ये जो हमारा ऐसे किया आपने इसको यहाँ से, ठीक है गाइस ये आया यहाँ, अब इसको हम वापस दूसरे होल से उधर कर देंगे। ये देखिए अब ये क्या है, ये जो हमारी जो तिल्ला था अब डोर के बीच में आ चुका है और हम इसको यहाँ पर बांध देंगे इस तरह से करके। ये देखिए ठीक है, आपको यहाँ दो तीन गंठे लगा देने हैं। अब जो मेन चीज़ आती है ये तो हर कोई कर लेता है बच्चा, अब जो मेन चीज़ आती है मेन आती है सेंटर को फाइंड आउट करना। तो हमें सेंटर कैसे फाइंड आउट करना, ये हमारा धागा यहाँ पर हमें क्या करना है, अब ये है यहाँ पर इधर से और इधर से ऐसे पकड़ के लाना और आपको बीच में, अब ये नहीं, अब देखो सेंटर तो हर कोई अनुमान तो लगा ही सकता, अब ये तो है नहीं भाई यहाँ से यहाँ भी ये इसको सेंटर बोल दे, ये तो सेंटर होगा ही नहीं, ये देख दिख रहा है आपको साफ। तो आपको आइडिया सर लेना है भाई सेंटर बीच में कहाँ पर है। तो हमने जैसे ये है यहाँ पर सेंटर लिया इसका इस तरह से और ऊपर जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से इसको ऊपर कैसे बांध देंगे गोल गांठ हमारे इधर से ऐसे देखिए। तो गाइज ये थी हमारी काइट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और अब हम चल रहे हैं इसकी काइट फ्लाइंग की टेस्टिंग करने के लिए। We'll be right back.